Hey, what's up guys? This is Shantanu and welcome back to my channel TikTok Song. So, दोस्तों दो दिन पहले इंस्टाग्राम पे मुझे एक बंदे ने बोला कि दादा सडनली मेरे फोन में 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट के नंबर से बहुत सारे कॉल्स आने लगे। दिन में दोस्तों 10-10, 15-15 कॉल ऐसे आने लगे। सो ये कैसे पॉसिबल है? जब भी हम कोई किसी पे कॉल करते हैं तो हमारा मोबाइल का जो नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है और हमारे कंट्री के हिसाब से +91 उसके आगे लग जाता है। हर एक कंट्री का कोड होता है, उसके आगे कुछ +2 अक्षर लग जाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद 10 डिजिट का नंबर होता है। लेकिन यह यहाँ पे तो 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट के नंबर पे कॉल्स आ रहे हैं। सो ये कैसे पॉसिबल है और ये क्यों हो रहा है? सो मैंने जैसे ही उसे स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने बोला था कि स्क्रीनशॉट भेजो, तो वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। मैंने देखा कि हाँ ये तो भाई 3 डिजिट 4 डिजिट के नंबर से हो रहा है और ये स्कैम है, तो ये बहुत ही डेंजरस है। सो मैंने सोचा कि अगर उससे पता नहीं है ये कितना डेंजरस है और इसके बारे में उसका अगर डिटेल से पता नहीं है, सो आप सभी को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो चलिए इसके बारे में एक वीडियो ही बना लेते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा कि ये 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट के नंबर से कैसे कॉल जाते हैं और ये कॉल क्या करते हैं। बहुत डेंजरस है दोस्तों, ठीक है। सो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू करने के पहले वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। सो दोस्तों पहले एक चीज बता देता हूँ कि ये जो 3 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट के नंबर से कॉल्स आ रहे हैं ये किसी भी कंट्री से आ सकता है और किसी को भी आ सकता है। आज उसे आया है, मुझे भी बहुत सारे आया है, और अगर आपको नहीं आया है तो आपको भी डैम श्योर आपको भी कभी ना कभी जरूर आएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको डिटेल्स में बहुत जानना जरूरी है, ठीक है, बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसे स्कैम कहते हैं, ठीक है। सो पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर पे कॉल आता है ये कैसे आता है। सो पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये जो 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट के नंबर से कॉल्स आता है, प्लस लिखा या कुछ भी लिखा हुआ जो नंबर आता है, इसे कहते हैं कॉलर आईडी स्पूफिंग, ठीक है। सो ये कॉलर आईडी स्पूफिंग क्या है डिटेल्स में जान लीजिए। कॉलर आईडी के स्पूफिंग का मतलब है कि अगर किसी स्कैमर ने अपना जो नंबर है उस नंबर को वो छुपा देता है और किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, किसी एप्स के जरिए और इंटरनेट के जरिए वो अपना नया वाला आईडी क्रिएट करता है 3 डिजिट 4 डिजिट 5, 6, 7 डिजिट के नंबर से और उसी नंबर से आपको कॉल करता है, ठीक है। सो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे देखिए, आपका जो नंबर है उसी नंबर से, आपके नंबर से ही आपको कॉल कर सकता है। आपके रिलेटिव्स का, आपका फैमिली का, आपका दोस्त वगैरह के नंबर अगर उसके पास होगा तो उसके नंबर से भी वो आपको कॉल कर सकता है। हाँ, मतलब आपका दोस्त जो है उसका जो नंबर है, मान लो आपका दोस्त का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये है आपका दोस्त का नंबर। सो ये नंबर से ही आपको कॉल आएगा, लेकिन आपका दोस्त आपको कॉल नहीं करेगा और सिम जो है उसके पास ही रहेगा। सो ये स्कैमर कर सकते हैं। सो ये कैसे करते हैं, मैं तो आपको समझा दिया कि एक सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के जरिए वो अपना जो नंबर है, खुद का नंबर को छुपा लेते हैं और एक नया वाला आईडी क्रिएट करके आपको कॉल करता है, ठीक है। सो इसका करने का जो फायदा है वो क्या है, देखिए। सो बहुत सारे स्कैमर और हैकर वगैरह होता है जो कि ये हैक करने की एक जरिया है, ठीक है। किस तरह से हैक होता है मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, ये जो नया वाला आईडी क्रिएट करते हैं, नया वाला आईडी से आप उसे कभी भी पकड़ नहीं सकते कि ये कौन है। अगर आप पुलिस के पास जाओगे, अगर आप साइबर क्राइम ऑफिसर के पास जाओगे, साइबर क्राइम सेल पे जाओगे, तो भी दोस्तों वो बहुत ही मुश्किल होता है, इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि वो नया अपना जो आईडी है उसे तो छुपा लेते हैं। सो ये जो नया वाला आईडी होता है, इस नया वाला आईडी से आपको कॉल करता है 3 डिजिट 4 डिजिट के नंबर से। पहले देखिए, आपके पास अगर 4-5 बार ऐसे कॉल्स आ गया है तो आप फोन रिसीव करना, रिसीव करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन रिसीव करना। सो रिसीव करने के बाद देखिएगा, वो लोग उतना ज्यादा कुछ भी कहते नहीं है, ठीक है, पहले तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। तो अगर आपने कॉल रिसीव कर लिया तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, आप कॉल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको कॉल करेगा, वो आप फिर से कॉल रिसीव करोगे तो भी आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। उसके बाद दोस्तों ऐसे करके 2-3 बार वो लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, आपका वॉइस, वॉइस ही चेक कर लेते हैं। सो वॉइस चेक करने से उसको पता चल जाता है कि सामने वाला जो बंदा है वो किस तरह का है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग का वॉइस को देख के ही पता चल जाता है कि ये किस टाइप का लोग है, ठीक है, ये वो लोग पता कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको दूसरे तीसरे बार कॉल करते हैं तो दोस्तों बहुत सारे टाइम पे ऐसा ही होता है कि
ये जो स्कैमर का फोन आता है 3-4 डिजिट नंबर से, ये लड़की लोग ज्यादातर फोन करते हैं क्योंकि लड़की लोग पोलाइट से बातें कर सकते हैं और बहुत सारे लड़के लड़की लोग का आवाज सुन के पिघल जाते हैं, ठीक है। सो पिघलने के बाद लड़की लोग आपका काट देते हैं, क्या कर देते हैं, गला कर देते हैं। हाँ, कैसे कर देते हैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पहले तो ये आपको कॉल करेंगे, बहुत ही पोलाइट से बातें करेंगे। देखिए, मैं यहां से कह रहा हूँ आपसे 2 मिनट बातें करना है, इस टाइप का बातें करेंगे और बातें करने के बाद आपको आपका कुछ इस टाइप का बोलेंगे कि आपका एक लोन पास करना है मुझे, सो आपका बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, आपका बैंक का एटीएम का पिन दीजिए, आपका नेटवर्क जो नेट बैंकिंग का पासवर्ड है वो दीजिए, या हमने कुछ मैसेज वगैरह भेजा है उसका ओटीपी वगैरह दीजिए। इस टाइप का बहुत सारे लोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप ये सब दे देते हो तो आप तो चले गए, आपका सारा का सारा पैसा चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होता है कि वो लोग जियो से फोन बोलते हैं कि हम लोग जियो कंपनी से फोन कर रहे हैं, या जियो ऑफिस से हम लोग फोन कर रहे हैं, या एयरटेल ऑफिस से हम लोग फोन कर रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है, आपका जो सिम है इस सिम का डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट को एक्टिवेट करना है, इस टाइप के बहुत सारे बोलते हैं। और आपका आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहते हैं वो लोग, अगर आप डॉक्यूमेंट दे देते हो तो आप फंस गए दोस्तों, ठीक है। तो कभी भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देना। और ये 3-4 डिजिट के नंबर से अगर आपको कॉल आए तो कॉल पिक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कॉल पिक करने से उतना कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि कॉल पिक करने से अच्छा है सीधा उस फोन को काट दे और उसे ब्लॉक कर दे, ठीक है। सो आई थिंक आप लोग ने समझ गए होंगे कि ये कॉलर आईडी स्पूफिंग क्या होता है और 3-4-5 डिजिट नंबर से कैसे कॉल आता है और ये कॉल करने का मतलब क्या है, ठीक है। अगर वीडियो को समझने में कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। उसके साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना क्योंकि ये सबको जानना जरूरी है और आपका दोस्त का ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करना, क्योंकि वीडियो को देखना जरूरी है और वीडियो को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।